हेलो गाइस, वेलकम टू सहनाज फर्नीचर इंटरप्राइज। ये देखिए, यहाँ पर सारा फर्नीचर यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ पर काफ़ी सस्ता में आपको सारा फर्नीचर होलसेलर मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या फर्नीचर बनता है। क्या क्या फर्नीचर बनता है यहाँ? सब बनते हैं। अलमारी है, पलंग है, ड्रेसिंग है, कैबिनेट है, ऑफिस टेबल है। कितना सस्ता मिलता है यहाँ पर? यहाँ बहुत ही सस्ता मिलता है। तो चलिए आइए कुछ दिखाइए। ये देखिए काफी सुंदर ड्रेसिंग है, बट अभी अनकम्प्लीट है। इसका MRP कितना आएगा होलसेलर? बोल। 4,500 में आपका ये। वाह, तो काफी सस्ता में आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं। होलसेलर के लिए अलग प्राइस है? हाँ। होलसेलर में अलग प्राइस है, तो वो कमेंट में होलसेलर प्राइस जान सकते हैं। तो चलिए और कुछ दिखाइए। ये देखिए आपका हाइड्रोलिक वार्डरोब। अच्छा, इसका आपका रिटेलर प्राइस क्या आएगा? 9,000। वाह, बहुत ही सस्ता। होलसेलर तो और भी कम हो जाएगा। थोड़ा अंदर का फ्यूचर दिखाइए। आपका 9,000 रुपये में आपको यहाँ पर रिटेलर हाइड्रोलिक वार्डरोब मिल जा रहा है। काफी सस्ता है इनका। पूरे कलकत्ता में इतना सस्ता फर्नीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिनको ऑर्डर देना है तो आके दे सकते हैं। एड्रेस है कोलकाता गुलशन कॉलोनी ऑटो स्टैंड। ये देखिए आपका 3-डोर वार्डरोब। अच्छा, इसका रिटेलर प्राइस क्या आएगा? रिटेलर प्राइस 8,000। इसका रिटेलर प्राइस क्या आएगा? 8,000। 8,000 रुपये में आपको 3-डोर वार्डरोब मिल रहा है रिटेलर प्राइस। हॉल सेलर में तो और भी बहुत ही कम हो जाएगा। हॉल सेलर में जिनको चाहिए वो कमेंट में अपना नंबर देते या मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, वो कॉल कर ले। अच्छा, ये कैबिनेट का 4-2 का कैबिनेट है, इसका रिटेलर प्राइस क्या आएगा? ₹3,000। ये आपका रिटेलर प्राइस, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर। दिखाइए, खोल के दिखाइए। देख सकते हैं गाइस, काफ़ी सस्ता में यहाँ पर फर्नीचर आपको मिल जाएगा। और ये शोकेस आपका कितना में आएगा? इस ये शोकेस कितना में आएगा? वाह, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपका फ्रंट में एक मिरर रहेगा और इसमें ग्लास रहेगा। ये देखिए आपका ऑफिस टेबल भी मिल जाएगा। ऑफिस टेबल का रिटेलर प्राइस क्या है? 3,000 रुपया। 3x2 है, 30 इंची हाइट। काफी सस्ता यहाँ आपको टोटल फर्नीचर मिल जाएगा। यहाँ टोटल मैन्युफैक्चरिंग होता है खुद का। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। बहुत मेहनत।